है एक्सीडेंट, तो देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी लगा हुआ है। वहाँ पर जहाँ पर हम लोग गए थे ना भाई, वहाँ पर हम लोगों के साथ स्कैम होने वाला था। तो जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा कुछ हुआ है। आज सारा दिन भाई साहब बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत ही भाई बता नहीं सकते। साथ में जो बंदा था मेरे फ्रेंड, वो तो रो ही दिया था। मतलब So, all right guys, तो कैसे हो सभी लोग, एक वापस आने वालों पर आप सबको दिल से स्वागत करते हैं। और गाइस फाइनली आज हम लोग जाने वाला हूँ घर पे। तो सिक्किम पे हम लोग बहुत दिन रुका, स्टे किया, और गाइस हालात भी बहुत ही खराब हो चुका है। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ से सीधा हम लोग बस से घर पे जाएंगे, क्योंकि इतना हालात अभी अच्छा नहीं है कि हम लोग साइकिल से फिर से घर पे जा पाऊँ। तो मेरा हालात तो ऑलमोस्ट ज़्यादा खराब नहीं हुआ, जो साथ में जो दोस्त है उसका हालात बहुत ही खराब हो चुका है। तो गाइस गाड़ी पे चढ़ते चढ़ते यहाँ पर हो चुका है एक्सीडेंट, तो देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भी लगा हुआ है। एक्चुअली गाइस ज्यादा बड़ा था एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो सामने का जो बुलेरो था वो सामने सीधा ब्रेक मारा और पीछे से हमारा जो गाड़ी था वो उसके साथ थोड़ा सा टक्कर लगा। तो ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ गाइस, तो वही। गाइस अभी हम लोग सिक्किम और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर पार करके अभी पहुंच गए, मतलब वेस्ट बंगाल पर। तो वहाँ पर सामने था सिक्किम बॉर्डर। गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिलीगुड़ी पर। तो यहाँ से अभी हम लोग कर रहे हो बस का टिकट वगैरह, तो यहाँ से सीधा हम लोग का बॉयगांव पे जा सकते हो। तो ये रहा एक एजेंसी, यहाँ से अभी हम लोग 450 में बस का भाड़ा किया, उसके बाद सीधा हम लोग सीधा बॉयगांव ही चले जाएंगे। तो सामान वगैरह देख सकते हो हाथ में लेके, वीडियो वगैरह बना रहा तो आया पर सामान वगैरह। तो गाइस फाइनली सीट पे बैठ चुका हूँ, ये रहा गाड़ी। तो यहाँ से सीधा अभी हम लोग जाएंगे अलीपुर पर, और अलीपुर से सीधा बॉयगांव तक। वहाँ पर जहाँ पर हम लोग गए थे ना भाई, वहाँ पर हम लोगों के साथ स्कैम होने वाला था। तो पता चला गया इसके वहाँ पर स्कैम होगा। पहले बोला था कि सीधा बॉयगांव गुवाहाटी तक जाएगा, उसके बाद पैसा वैसा जब दिया तब बोल रहा है कि गुसाईगांव तक जाएगा। 500 करके लोगों का भाड़ा लिया बोला था, और साइकिल का एक्स्ट्रा 100 करके बोला था, टोटल 600 करके बोला था। तो मुझे तो पता चला कि ये साला फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ। तो इस वजह से अभी सीधा लोकल बस जो होता है, लोकल बस पे जा रहा हूँ। वो था थोड़ा लग्जरी जैसा बस था, तो ये लोकल बस है पूरा, देख सकते हो यहाँ पर। और ये था गाइस सिलीगुड़ी बस स्टॉप, बस का भाड़ा लिया हम लोगों के पास अलीपुर तक 120 रुपया, और साइकिल के लिए एक्स्ट्रा 100 रुपया, टोटल 220 रुपया देना पड़ेगा इस बस पर हम लोगों को अलीपुर तक। तो देखते हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है यहाँ पर। मतलब हम लोग सीधा सिक्किम से आके यहाँ पर आया ना, तो वहाँ पर तो ठंड था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस वजह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है बॉडी का, समझ रहे हो ना मेरे बात को। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह भी है यहाँ पर। तो गाइस चलो आगे जाके आप लोगों के साथ मिलता हूँ। Guys, सुबह से बस इस गाड़ी से उस गाड़ी, इस गाड़ी से उस गाड़ी, ऐसे हो रहा है। और अभी टाइम बज चुका है भाई 7 बजने वाला है, और अभी भी हम लोग कामाख्यागुड़ी पे है। और अभी हम लोग जाने वाला हूँ बारोबिशा करके, और बारोबिशा भी बहुत दूर है यहाँ से। तो बारोबिशा पे आज हम लोगों का अगर गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगा तो बहुत ही बुरा हो जाएगा हमारा साथ, तो शायद नहीं मिलेगा गाइस, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर एक ड्राइवर है, जो ये गाड़ी का ड्राइवर है, वो भी बहुत घुमा रहा है काफ़ी टाइम से, अलीपुर से इस गाड़ी पे चल रहे थे। और अभी हम लोग आ चुके हैं कामाख्यागुड़ी, उसके बाद बारोबिशा तक ही जाएगा ये गाड़ी, उसके बाद दूसरा गाड़ी देखना पड़ेगा। इतना रात को अगर गाड़ी नहीं मिलेगा तो भाई पूरा एल लग जाएगा भाई, मेरा तो इतना हालत ख़राब हो चुका है, कुछ बता भी नहीं सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसा हो रहा है। तो देखते हैं।
तो अभी मैं हूँ बारो भिशा पर। तो गाइस हालात इतना खराब हो चुका है ना, और पीछे का साइकिल का देख सकते हो पूरा ये सब गया। तो गाइस अभी यहाँ पर जो सोच के आया था, मतलब 6:30 बजे या 7 बजे यहाँ पर गाड़ी वगैरह मिलेगा हम लोगों को, तो यहाँ पर तो गाड़ी वगैरह हम लोगों को अभी कुछ भी नहीं मिला। मतलब 9 बजे या 9:30 बजे नाइट सुपर करके कुछ है वो मिलेगा, और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा घर पे। और हालत भाई बहुत दिमाग घूर रहा है। और एक्चुअली एक काउंटर है जो गाड़ी का देख सकते हो गाड़ी वगैरह, और यहाँ पर भैया लोग भी है, तो भैया लोगों ने हेल्प किया यहाँ से हम लोगों को घर तक जाने के लिए। तो देखते हैं अभी थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं। फाइनली हम लोगों का जो गाड़ी है नाइट सुपर, तो ये वाला साइकिल वगैरह अंदर घुसा के रखा, तो यहाँ से सीधा अभी हम लोग जाएंगे बोईगांव तक, जो हमारा घर है वहाँ तक सीधा पहुँच जाएंगे। तो भाड़ा ज़्यादा लगा थोड़ा बहुत, 400 लगा भाड़ा यहाँ से 12 बजे तक, लेकिन यहाँ से भाड़ा इतना ज़्यादा नहीं है, जो भी हो गए लेकिन घर पहुँच जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा नर्वस हुआ हूँ, और बहुत यही बताओ आप लोगों को बहुत ही खराब हुआ है आज का हालत। बस यहाँ पर रुका हुआ है कुछ गांव करके, यहाँ पर कुछ जगह का नाम है मैं लोकेशन पे देखा था। तो यहाँ पर जो रात का खाना वगैरह है वो खाने के लिए यहाँ पर रुका हुआ है। तो अभी तो बाहर नहीं जाएंगे, सीधा घर पे जाके खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि मम्मी को बोल दिया कि खाना बनाओ, मैं बोल रहा हूँ मम्मी अभी बना रहा है, तो घर पर जाके ही खाएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं संताई बारी पर, तो यहाँ पर ही जरमीन अभी उतरेगा, यहाँ पर ही इसका घर है। जरमीन भाई 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 सो राइट गाइस, तो फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है घर पे। तो घर पे तो पहुंच गया था गाइस 10 दिन पहले ही, आज मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत बात वगैरह करो, तो करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग बोलोगे कि ये सिक्किम राइड तुम्हारा कैसा गया, तो मैं बोलूँगा ज़्यादा अच्छा भी नहीं गया, ज़्यादा बुरा भी नहीं गया। बुरा क्यों नहीं गया और अच्छा क्यों नहीं गया वो भी बताता हूँ आप लोगों को। बुरा क्यों हुआ गाइस, थोड़ा आने के टाइम पे थोड़ा बुरा हुआ, वहाँ पर जाके मेरा शरीर भी बहुत ख़राब हो गया था, डायरिया वायरिया क्या होता है ना वो भी हो गया था गाइस। बहुत ही तबाही एंड धासू ब्लॉग वगैरह दिया, लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं गाइस, ज़्यादा व्यू वगैरह ही नहीं आ रहा है कुछ दिन से, तो इस वजह से एडिटिंग वगैरह भी बहुत सारा पेंडिंग पर रहा हुआ है। और एक दो वीडियो है गाइस सिक्किम का, वो भी मैं देने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ भाई, इतना मेहनत करके वीडियो वगैरह बनाया और अभी एडिटिंग भी करना पड़ेगा, लेकिन भाई व्यू ही नहीं आ रहा है। तो भाई जितना भी भाई लोग अभी तक देख रहे हो भाई, थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह करो, और सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो कर दो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, भाई सब्सक्राइब कर दो नहीं किया तो, और शेयर भी कर दो ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।